আগামী 18 সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বিশেষ অধিবেশন, চলবে 22 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এবারের অধিবেশনে আনা হবে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিল, এগুলির মধ্যে এক দেশ এক ভোট বিলটিও আনা হবে। এর উপর আলোচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী বলেন, ভারত হলো গণতন্ত্রের পীঠস্থান, দেশের মানুষ গণতন্ত্র প্রেমী, এক দেশ এক ভোটের বিষয় নিয়ে সংসদে আলোচনা হবে বলে জানান সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী। क्या जरूरत है, कमिटी है, कमिटी रचाने के बाद इसका कमिटी का रिपोर्ट आएगा, कमिटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है, भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है, हम देश दुनिया के बहुत बड़ा प्रजाप्रभुत्व, वी आर दी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, और इसके साथ ही साथ हम बहुत पुराना डेमोक्रेसी है। इंडिया इज कॉल्ड एज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी में बहुत बार ऐसे, ये तो एवोल्यूशन है ये डेमोक्रेसी, जहाँ मैं कर्नाटक से आता हूँ, कर्नाटक से 12वीं सेंचुरी में डेमोक्रेसी था। ऐसे भारत के कई प्रदेशों में डेमोक्रेसी 12वीं सेंचुरी, 11वीं सेंचुरी, 8वीं सेंचुरी से डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी भारत में एक एवोल्यूशन है। ये एवोल्यूशन में अभी नया नया जो विषय आता है देश के हित में, उसका तो चर्चा तो करना चाहिए। तो चर्चा करने के लिए कमिटी रचा दिया गया है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कल से ही हो जाएगा, इसे तो हमने थोड़ी कहा है।